जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जी आज फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ जी चंचल, जो कि अपनी मोदी की बेटी है जी। तो आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी मस्ती टाइम की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये मेरी तरफ ही देख रही है। पता नहीं अब ये जो मस्ती करेगी कि या नहीं करेगी, क्योंकि एक भाई का एक दिन कमेंट भी आया था कि चंचल की उछल कूद करती हुई की या मस्ती करती हुई की वीडियो बनाएं। तो अब ये इस पोल के साथ जो ये लकड़ी यहाँ पे गाड़ा हुआ है, बड़ी मस्ती कर रही थी इसके साथ और मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो अब ये रुक गई है। तो जी आज है 11 सितंबर 2022 और इसके डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 2022। तकरीबन 27 दिन की आज ये हो चुकी है। और भी जो भाई देखने भी आते हैं, जो जान पहचान वाले हैं, तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी चली हुई है, लेकिन मैं हर जो चीज़ें अपने पास होती हर रोज़ उसको देखते हैं तो अच्छे तरीके से अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि भाई कितनी इसने ग्रो किया। लेकिन स्टार्टिंग वाली जो फ़ोटो है इसकी वो देखता हूँ तब पता लगता है हाँ भाई ये अब इसने ग्रो किया है। तो 27 दिन की हो चुकी है जी। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसी चली हुई है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं एक कम खर्च में इस कटड़ी को तैयार करूं और वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं कि भाई, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी हम काफ को दूध पिलाते। चलो दूध तो है ही है, माँ का दूध तो उसको जितना पी सकता काफ उतना पिलाएं अगर आपकी पिलाने की कैपेसिटी है। तो फ़िलहाल मैं इसको जितना इसकी माँ के दूध आज तक मैंने पूरा निकाल के देखा ही नहीं है, तो पूरा ही मैं इसको पिला रहा हूँ। कितना देरी है अंदाजन होगा 10-12 किलो के आसपास, तो वही मैं इसको पिला रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा बोल दूँ कि भाई उसके पास नीचे 15-16, क्योंकि बीमार हो गई थी, यहाँ तक भी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पहुँचाया है 12 किलो तक भी, पूरा ही दूध मैं इसको पिला रहा हूँ। और अब ये 2 बार बीमार हो चुकी है। अब अच्छे शेद इसकी चली थी, लेकिन पैर आप देख सकते हैं, मैंने 4-5 दिन पहले इसकी वीडियो शेयर की थी आपके साथ, तो पैर में पता नहीं क्या इसको लगा या बैठने उठने के कारण पेन बहुत ज़्यादा है पैर में। आज थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये ज्वार के पत्ते मैंने इसके आगे डाले हुए हैं, खाने की भी कोशिश करती, सूखे पत्तों को ज़्यादा खुश होकर खाती है। तो इसका जो डाइट प्लान रहता है, माँ का पूरा दूध मैं इसको पिलाता हूँ और लस्सी के साथ मैं इसको जो सरसों का तेल देता हूँ 5 से 10 ml, आधा लीटर तक मैं इसको लस्सी पिलाता हूँ। अगर आप पिला रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लस्सी नहीं है दही आप पिला सकते तो दही भी पिला दे सरसों के तेल के साथ, क्योंकि लस्सी से बड़ा कोई जो है डाइजेशन के लिए कोई दवा नहीं है। लस्सी से जो है काफ गर्मी से भी बचता है और जो है लस्सी में कैल्शियम भी होता है, बड़े प्रोटीन भी होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखता है, हाजमा सेट रहता है, भूख कम लगती है। तो ये एक सिंपल सस्ते उस सौदा है जो काफ को तैयार करने का। और साथ के साथ कोई फीड जो है हेल्थ सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, कोई भी जो है विटामिन आप इसको लिक्विड दे सकते हैं। 50 किलो पे 2 ml की डोज आप उसको काफ की दे सकते हैं। तो अब ये बैठ ही गई है तकरीबन। तो ये देखें बैठने का स्टाइल, जैसे इसके पैर में दर्द था तो पैर इसने घुटना लगाया नहीं है, तो वैसे ही बैठ गई है। तो बड़े एक्टिव काफ हैं ये, आप देख सकते हैं जी, जो एक असल मुर्रा होती है वो आपके सामने है। जिन भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि मुर्रा क्या पहचान हो सकती है, तो ये देख सकते हैं वही असली मुर्रा जिसका लंबा तुर्रा, ये एक हरियाणा में कहावत है। तो ये देख सकते हैं आप, अब बैठ गई है। मैंने इसको दूध पिला के नहला के बांध दिया था कच्चे में मिट्टी के ऊपर, तो ये बैठ गई है। जो इसका डाइट प्लान भी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिया है। तो एक इससे ज़्यादा तो और भी चीज़ें भी आप उसको लीवर के लिए दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, वो एक्स्ट्रा आपका पैसा वेस्ट होना है। क्योंकि जब तक काफ हो या भैंस हो या कोई भी हो तो अच्छे तरीके से खा रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा आप लीवर के लिए मत दो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है, पोटी टाइम पे कर रहा है, अच्छे तरीके से पोटी कर रहा है, कोई कब्ज नहीं है, कोई लूज मोशन नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको टाइम पर डिवॉर्मिंग करवाते रहो और अच्छे तरीके से दूध पिलाते रहो। और अब ये आज थोड़ा बहुत जो दाना चारा खाने लग जाएगी जब ठीक ढंग से, तो फिर और जल्दी ग्रो करेगी, क्योंकि दर्द बहुत है पैर में। इस कारण से भी 2-3 जो है मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी आपके साथ, देखा भी होगा आपने पहले, थोड़ी सी वीक मेरे को भी नज़र आ रही है, क्योंकि दर्द में थोड़ा सा पशु को कोई भी हो थोड़ा सा जो है वीकनेस तो हो ही जाती, चाहे इंसान हो या पशु हो। तो जी ये थी एक छोटी सी वीडियो चंचल की आपके साथ।
बाकी मैं इसकी वीडियो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, तो कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको मुर्रा जो है मिल्क। तो आगे देखेंगे भविष्य में भी क्या इसकी जो एवरेज रहती है, लेकिन ब्यूटी के मामले में बहुत ही अच्छी है। तो आप जो है कमेंट के माध्यम से जो भी आपके सुझाव हैं भाई, क्या किस तरीके की चली हुई है, आप जो है कमेंट करके व्हाट्सएप पर भी हमें बता सकते हैं।